गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मुद्रा की क्या महत्व है, इसके क्या गुण हैं, क्यों मुद्रा को इतना महत्व दिया गया है तथा मुद्रा के दोष क्या हैं, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मुद्रा की डेफिनेशन विभिन्न अर्थशास्त्रों के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है तथा मुद्रा के कार्य क्या हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। मुद्रा के कार्यों को शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि माध्यम, मापक, संचय और आधार। यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मूल्य के मापक का कार्य करती है, इसको संचित करके रखा जा सकता है तथा भावी ऋणों के भुगतान में मुद्रा को सहायक के रूप में माना गया है। तो ये चार कार्य मुख्य हैं कि माध्यम, मापक, संचय और आधार। आज हम देखेंगे इन्हीं कार्यों के आधार पर इस मुद्रा के अंतर्गत हम इनके गुणों को देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसा मार्शल ने बताया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा को केंद्र में माना गया है मार्शल के द्वारा और बताया गया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो भी कार्य हैं वो इसके इर्द गिर्द या इसके चारों तरफ होते हैं। इसी तरह से अर्थशास्त्री है क्राउथर। क्राउथर ने बताया है कि मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है। जैसा कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने मूल आविष्कार है, जैसे मशीनों में आविष्कार है पहिए का, विज्ञान में है अग्नि का और राजनीति विज्ञान में है वोट का यानी मतों का, उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार माना जाता है। इस तरह से मुद्रा जो है केंद्रित इकाई है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। आप देख सकते हो इसके गुणों या महत्व में पहला बताया गया है पॉइंट है जो आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार। मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था स्थापित हुई है। सबसे पहले मुद्रा से साधन खरीदे जाते हैं, साधनों से उत्पादन किया जाता है, जब वह उत्पादन बिक जाता है तो मुद्रा प्राप्त हो जाती है, फिर उसी मुद्रा से कच्चा माल खरीदा जाता है और यह प्रक्रिया संपूर्ण अर्थव्यवस्था में निरंतर जारी रहती है जिसके कारण बाजार अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। दूसरा है पूंजी का निर्माण। मुद्रा के द्वारा क्योंकि एक तरल संपत्ति मानी गई है तो इसे बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी कमाया जा सकता है। मुद्रा में बचत करने के कारण लोगों का संबंध बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था से हो जाता है, अतः मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। फिर है साख का निर्माण। जैसा कि पहले बताया गया था कि मुद्रा के कार्यों में भी इसे सम्मिलित किया गया है कि आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंकिंग संस्थाएं व्यापार तथा उद्योग को पूंजी उधार देकर इसके द्वारा साख का निर्माण करते हैं और मुद्रा के बिना साख व्यवस्था का अंत हो सकता है क्योंकि मुद्रा वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक तेल तथा ईंधन का कार्य करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आप भी जानते हो कि मुद्रा के प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है क्योंकि मुद्रा के माध्यम से विभिन्न देशों में आपसी लेन देन पहले से बहुत बढ़ गया है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान की गति भी तेज हुई है। नेक्स्ट प्रगति के सूचक। यदि किसी देश की मुद्रा की कीमत गिरती है तो यह समझा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अतः जिस देश की मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है तो वह आर्थिक दृष्टि से स्थिर या अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इस प्रकार मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति की सूचक है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि वस्तु विनिमय जब व्याप्त था तो उससे संबंधित कई प्रकार की समस्याएं या कठिनाइयां थी, तो मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति मिली है क्योंकि आधुनिक मुद्रा ने विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक होने के कारण सभी प्रकार की संपत्तियों के क्रय विक्रय को आसान बना दिया है।
नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण की सूचक। मुद्रा के माध्यम से ही किसी देश का राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का माप हो सकता है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्नत मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण की सूचक है। और लास्ट पॉइंट है गुणों में कि आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्र जो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन सभी के अंतर्गत मुद्रा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि यदि कीमतों का निर्धारण होता है साधनों को खरीदने के लिए या वस्तुओं को खरीदने के लिए, वे मुद्रा में ही निर्धारित होता है। विनिमय या वितरण किया जाता है तो वो भी एक्सचेंज में मुद्रा ली जाती है और वस्तुएं दी जाती है, तो विनिमय के कार्य को इसने आसान बनाया है। इसी तरह से वितरण साधनों को के स्वामियों को जो प्रतिफल के रूप में दिया जाता है वह भी मुद्रा में ही होता है। इसी तरह से राजस्व या सरकार से संबंधित समस्त जो क्रियाएं हैं वो भी, चाहे आर्थिक व्यय हो, आर्थिक ऋण हो, इनका भी मुद्रा के अंतर्गत हम उपयोग करते हैं। अतः ये आधुनिक युग में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मुद्रा के बिना संभव नहीं है। तो जहां एक ओर हमने देखा कि मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक धुरी के रूप में कार्य करती है, लेकिन फिर भी ये सब महत्व होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है या कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा में बुराई को भी देखते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। किन्हीं अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। अन्य अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। कई अर्थशास्त्रियों तो ये माना है कि मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। इसी तरह से रॉबर्टसन, अर्थशास्त्री का नाम है रॉबर्टसन, जिन्होंने अपनी पुस्तक मनी में लिखा है कि मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर वह संकट और अस्तव्यस्तता का कारण बन जाती है। तो ये जो भी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के बारे में जो बताया है, मुद्रा के दोषों के बारे में बताया है, तो ये विरोधी धारणा रखते थे मुद्रा के प्रति। और उन्होंने बताया कि कई कारण हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा में अनेक तरह की दुष्प्रवृत्तियां या बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, जिसको हम सामने आप देख सकते हो, जैसे वर्ग संघर्ष का उदय। कहने का मतलब है मुद्रा की शक्ति के बल पर समाज के कुछ व्यक्ति अधिकाधिक धनी होते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस प्रवृत्ति का परिणाम होता है कि पूंजीवादी देशों में अमीर और गरीब जैसे दो वर्ग बन गए हैं। अतः इससे वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा है साधनों का संकेंद्रण। मुद्रा औद्योगिक व्यवस्था का आधार है, इसलिए समाज के कुछ व्यक्तियों ने अत्यधिक मुद्रा को संग्रह कर ली है और उत्पादन के साधनों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है। अविकसित देशों में आर्थिक सत्ता के जो केंद्रीकरण है, इसका प्रभाव राजनीतिक सत्ता पर भी पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक और आर्थिक जो शक्तियां हैं कुछ ही व्यक्तियों के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गई हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा स्फीति। आप देखते हो मुद्रा के कारण सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने का बड़ा एक अस्त्र मिल गया है, जिससे मुद्रा की निकासी आवश्यकता से अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रसार या मुद्रा फैलाव की स्थिति हो जाती है, परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं और इससे सामान्य जनता या निश्चित आय वाले व्यक्तियों को हानि का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोष में ऋण तंत्र को प्रोत्साहन। मुद्रा ने ऋण व्यवस्था को आसान बना दिया है। लोग आसानी से उधार ले लेते हैं और उधार लेकर के संपन्न होने की प्रवृत्ति, इसको जो है बढ़ावा मिला है और विकासशील देशों को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट शत्रुता। तो मुद्रा के द्वारा केवल मौद्रिक दोष ही नहीं है, अपितु इसे नैतिक दोष भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम शत्रुता को ले सकते हैं कि आजकल जो आप लोग देख रहे हो कि भाई भाई में विरोध हो रहा है, मित्रों में शत्रुता हो रही है, साथी सहयोगियों में मनमुटाव का कारण मुद्रा है, मुद्रा के लेन देन को लेकर सुखी परिवार भी नष्ट हो जाते हैं, सामाजिक शांति भंग हो जाती है,
इसी तरह से अगला पॉइंट है नैतिक दोष। जैसा कि बताया गया है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यदि समाज में जो व्यापक भ्रष्टाचार, चोरी, हिंसा तथा अन्य अपराधों के पीछे अधिकतर जो है मुद्रा को प्राप्त करने की लोलुपता ही छिपी रहती है, तो मुद्रा को लोगों ने साधन के स्थान पर साध्य बना लिया है, जिसके हम दोष देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्र। अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन होने के कारण तेजी और मंदी के दौर आते हैं, जिनसे रोजगार, आय, विनियोग इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है अधिकाधिक शोषण की प्रवृत्ति पाई जाना। मुद्रा के लोभ या लालच से समाज में शोषण का एक विषम चक्र चालू हो जाता है। इससे अधिकाधिक मुद्रा की जो प्राप्त करने की प्रवृत्ति है वह बढ़ जाती है। इस मान्यता के कारण कारखानों में मजदूरों का तथा व्यावसायिक कार्यालयों में कर्मचारियों का शोषण होने लगा है। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हो कि मुद्रा को महत्वपूर्ण तो माना ही गया है, लेकिन साथ में इसमें बुराइयां होने के कारण इसे हानिकारक माना गया है। अब इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हालांकि मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना करना मुश्किल है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है, किसी विद्वान ने तो ये भी कहा है कि वी कांट ईट गोल्ड बट वी कांट ईट विदाउट गोल्ड। या गोल्ड से मतलब मनी को लिया गया है। वी कांट ईट गोल्ड मतलब हम मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप से उपभोग मुद्रा का नहीं कर सकते, लेकिन हम मुद्रा के बिना भी उपभोग नहीं कर सकते, अतः इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जैसे कि रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक मनी में बताया है कि मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर वह संकट और अस्तव्यस्तता का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार मुद्रा को हमें संतुलित तरीके से इसका उपयोग करना आवश्यक है। थैंक यू।